साथियों, कल से कई अखबारों और चैनलों ने ये खबर दे दी है कि मैंने संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया है। ये बिल्कुल गलत है, गलत खबर चलाई है। मैंने संयुक्त मोर्चा नहीं छोड़ा है, मैंने केवल मीटिंग का बहिष्कार किया है। और मीटिंग का बहिष्कार इसलिए किया है कि ये जो पंजाब की 32 जत्थेबंदियों वाले हैं, इन्होंने एक तरह से मीटिंग पे कब्जा कर लिया। जनरल मीटिंग जो होती है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का मुखिया बैठ सकता है, और जनरल मीटिंग में से कल इन्होंने उनको निकाल दिया कि आप 32 में शामिल नहीं है। वो 32 जत्थेबंदियों की जो अलग से मीटिंग होती है उसमें से निकाल सकते हैं। जो पूरे देश की मीटिंग है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का प्रतिनिधि बैठ सकता है, और एक एक के कई कई बैठ जाते हैं, तो उस पे कब्जा करने के लिए ये लोग कई कई बैठा लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे नूं छड्डण दी चर्चा बारे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा दे प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूणी दा वड्डा बयान सामने आया। चड़ूणी ने वीडियो जारी करके साफ कीता कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा नहीं छड्डिया, सिर्फ मीटिंग दा बाइकाट कीता सी, अते कहा कि पंजाब दे 32 जथेबंदियां ने मीटिंग ते कब्जा कीता होया है, जिस करके पंजाब दे 4 जथेबंदियां दे आगुआं नूं मीटिंग चों बाहर कढ़न ते रोस जताया गया अते डिटेक्टरशिप नाल फैसला करदे ने। साथियों नमस्कार। साथियों, कल से कई अखबारों और चैनलों ने ये खबर दे दी है कि मैंने संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया है। ये बिल्कुल गलत है, गलत खबर चलाई है। मैंने संयुक्त मोर्चा नहीं छोड़ा है, मैंने केवल मीटिंग का बहिष्कार किया है। और मीटिंग का बहिष्कार इसलिए किया है कि ये जो पंजाब की 32 जत्थेबंदियों वाले हैं, इन्होंने एक तरह से मीटिंग पे कब्जा कर लिया। 4 संगठन पंजाब के अंदर गए थे। जनरल मीटिंग जो होती है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का मुखिया बैठ सकता है, और जनरल मीटिंग में से कल इन्होंने उनको निकाल दिया कि आप 32 में शामिल नहीं है। वो 32 जथेबंदियों की जो अलग से मीटिंग होती है उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन जो पूरे देश की मीटिंग है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का प्रतिनिधि बैठ सकता है, और एक एक के कई कई बैठ जाते हैं, तो उस पे कब्जा करने के लिए ये लोग कई कई बैठा लेते हैं। और जो हमारे पक्ष के लोग हैं उनको भगा देते हैं। कल उनसे ज्यादती की डंडे वाले बुला लिए। जो लोग कसूर उनका इतना था कि जो डेरा बाबा नानक से जथा लेके आए, उन्होंने मेरे को वहां से बुला लिया। मैं उनको पहले से बहुत ज्यादा कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सम्मान करते हुए मेरे को बुला लिया कि आप हमारा जथा लेके जाइए। जथा लेके वहां से आए, जिस आदमी ने रास्ते में पानी पिला दिया उसको भी संगठन से बाहर, उसको भी उन्होंने अपने यूनियन से बाहर कर दिया, और मतलब मोर्चे से बाहर कर दिया उसको। और जो ये 4 जथेबंदियों के लोग थे, इनको भी कल उन्होंने मीटिंग में नहीं बैठने दिया, धक्के से बाहर निकाल दिया। तो मेरा क्या फर्ज बनता है? अगर किसी की ऐसे बेइज्जती करेंगे, अगर किसी की ऐसे इंसल्ट करेंगे, तो मेरा तो फर्ज उनकी मदद करना पड़ता है। और साथियों, जहां तक आंदोलन का सवाल है, इस आंदोलन में हमने खून पसीना एक किया है। ये आंदोलन सबसे ज्यादा उठाया है, हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है इस आंदोलन में। 40-45 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इस आंदोलन में मेरे ऊपर। सबसे ज्यादा लठ हमारे संगठन में लगे हैं इसमें। हम मोर्चा छोड़ के नहीं भाग रहे, कोई गलत बहम में ना रहे। मोर्चा छोड़ के नहीं भाग रहे, इस मोर्चे में पहले से ज्यादा काम करेंगे। 15 अगस्त को फिर हम बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। 20 अगस्त को फिर एक बड़ा जथा लेके आएंगे। मोर्चा छोड़ के नहीं भागेंगे। लेकिन सवाल इतना है कि ये उस पे कब्जा करते हैं, डिक्टेटर चलाते हैं, और अन्याय सहना मेरे जो है मेरी नेचर के भी विरुद्ध है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। तो साथियों, ये आंदोलन हमारा है, हर हाल में लड़ेंगे। हाँ, ये मैं कल भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं मीटिंग से बाहर आया हूँ। फैसला जो वो करेंगे वो उनका मानेंगे, आंदोलन का जो वो फैसला करेंगे वो उनका मानेंगे। तो इसलिए कोई गलतफहमी में कोई ना रहे, कोई अफवाह ना किसी तरह की फैलाए। मोर्चा टूट गया है या दो फाड़ हो गया है, ये
बिल्कुल गलत हुआ है, ना मोर्चा टूटा है, ना दो फाड़ हुआ, और ना मेरी तरफ से कभी टूटेगा, मेरी तरफ से कम कभी नहीं टूटेगा। हाँ, मैं उनके जुल्म बर्दाश्त इसलिए करता हूँ, बहुत सी बातें हैं बताने वाली जो मोर्चे में चल रही हैं, जिसलिए फैसला अभी तक नहीं हुआ, आगे भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक में ज्यादा अच्छी नहीं रहती बतानी, इसलिए हम उन पे चुप भी हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं कि मोर्चा ना टूटे। इसलिए साथियों, मैं फिर एक बार क्लियर करता हूँ कि ये मोर्चा हमारा है, और मोर्चा जो आंदोलन चलाएगा उसमें हम हर तरह से साथ रहेंगे। सभी करने गुरु नाम सिंह चुरूनी ने स्पष्ट किया कि किसान अंदोलन च खून पसीना बहाया, इसलिए वह मोर्चा छड्डन बारे सोच भी नहीं सकते, पहला नालों डट के मोर्चे च शमूलियत करांगे, इसलिए अफवाहों तो सावधान रहने की लोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच, रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।